चले हम अभी बानी मैरवा, मैरवा में चेयरमैन पुत्र अभिमन्यु कुमार जी से मिलल जाए, यहाँ से कुछ विशेष बातचीत कर जाए। अभी नवरात्रि चलता, रामनवमी पर का कहल चाहत निरुआ? देखिए नवरात्रि दशहरा के शुभ अवसर पर और नवमी के शुभ अवसर पर सभी नगरवासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन और चंदन करता हूँ और सभी परिवारजनों से मैं आग्रह करता हूँ कि माँ शारदा का ये त्यौहार बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाएं और सभी अपने परिवारजनों के साथ एक अच्छा वातावरण का संदेश दें और शहर को साफ सफाई रखने में भी हम सभी नगर पंचायत के कर्मचारियों का भी मदद करें। एगो एगो अहम बात रुआ से पूछे चाहता नहीं कि समाज में कुछ खास नेता जी लोग, कुछ वर्ग के लोग समाज के विभिन्न विभिन्न जाति में बांट दिलवा, तो ये पर का कहें दू सब? देखिए पॉलिटिक्स का एक मंच का ये सब एक साधन है लोगों को जात में बांटना, बाकी समाज में आज भी भाईचारा उतना ही है और आगे भी रहेगा। इस भाईचारे को कोई नहीं खरीद सकता है और ना मिटा सकता है, ये तो अपने अपने विचार पे है और ये जाति की बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग समाज की बात करते हैं और सबको लेकर चलने का। अभी नीतीश कुमार जी को जाति जनगणना करानी है, ओकर का कुप्रभाव पड़ी समाज पर? देखिए वो तो जाति जनगणना जो उन्होंने कराया है उसमें आर्थिक जनगणना भी कराया है कि किस समाज के लोग के पास क्या वो सच में आर्थिक मजबूती है या वो कमजोरी है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए सरकार ने इस चीज़ का जनगणना कराया है कि जिसकी जाति जितनी हो उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए और बड़े लोग हैं इनकी उनकी समझ है, वो लोग अपना राजनीति करेंगे कैसे उन लोगों को इसका लोगों को लाभ देना है और क्या करना इनकी उसकी विषय है। अपना परिचय बता दें। अपन नगर पंचायत चेयरमैन पुत्र अभिमन्यु।